जिला राजनांदगांव में परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप छाबड़ा ने आज प्रेस क्लब पहुंचकर वार्ड परिसीमन को लेकर प्रेस वार्ता की। छाबड़ा ने कहा कि साल के आखिरी महीने नवंबर दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय का चुनाव होना है। वहीं शासन प्रशासन द्वारा 2011 जनगणना को ही आधार मानकर नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन कराया जाएगा, जो हर पहलू से न्यायसंगत उचित नहीं लगा। अब सत्ता सरकार अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जनहित की दृष्टि में उचित नहीं है। इस कावट से मुझे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में न्याय लेने के लिए जाना पड़ा। अभी जो नगरीय निकाय चुनाव 2024 के हो रहे हैं, राजनांदगांव शहर में जो परिसीमन हो रहा है, जो भाजपा सरकार सत्ता के कारण अपना दुरुपयोग करते हुए प्रभाव का पावर का गलत तरीके से परिसीमन करा रही है, वस्तुतः यहाँ पर परिसीमन होना ही नहीं चाहिए। 2011 की जनगणना जनसंख्या के आधार पे परिसीमन पूर्व में हुआ था, जिसमें जनगणना 1,63,114 थी। 2014 में परिसीमन हुआ, जब जनगणना 2011 में हुई तो आंकड़े जनगणना के 1,63,114 है। 2014 में परिसीमन हुआ, फिर 2019 में परिसीमन हुआ तो भी वही आंकड़े 1,63,114 हैं। फिर 2024 में अभी परिसीमन हो रहा है तो भी आंकड़े जनगणना के वही 1,63,114 है। 2021 में जनगणना दोबारा होनी थी, जब जनगणना 2021 में हुई नहीं है तो कोई औचित्य भी नहीं है कि परिसीमन हो, और वही आंकड़ों को लेके आप बार बार परिसीमन कर रहे हो।